यूपी चुनाव से पहले इटावा पहुंचे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सैफाई में परिवार के साथ दिवाली मनाई और साथ ही परिवार के साथ लंबा वक्त बिताया। अखिलेश यादव की परिवार के साथ मनाई ये दिवाली कई मायनों में अहम हो जाती है। भले ही दिवाली के मौके पर चाचा भतीजे की मुलाकात की तस्वीरें सामने नहीं आई हो, लेकिन मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव पहले ही चाचा के साथ गठबंधन के सवाल पर हामी भर चुके हैं। सैफई में दिवाली मनाने पहुंचे अखिलेश यादव ने इस दौरान अपने पिता मुलायम सिंह के घर पर परिवार के सदस्य से मुलाकात की। परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव के साथ सीधे अपने चाचा राजपाल यादव के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें, पिछले चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव पर परिवार के साथ ना चलने का आरोप भी लगा था। वहीं इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। अखिलेश परिवार के हर सदस्य से किसी न किसी तरह से मिले भी हैं। इटावा पहुंचे अखिलेश ने संत महात्माओं से भी मुलाकात की। अखिलेश के लिए इस बार की दिवाली काफी खास रही, जहां बीते कई दिनों से अखिलेश यादव पर कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखने का आरोप भी लगा था और जिसे लेकर सियासी गलियारों में एसपी कार्यकर्ता की नाराजगी भी देखने को मिली थी। वहीं अब अखिलेश ने सभी नाराजगी दूर कर दी है। दिवाली के मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर मिलते हुए नजर आए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। अखिलेश यादव से मिलने के लिए महिला कार्यकर्ता भी वहां पहुंची थी। वहीं इटावा से अखिलेश यादव को लोगों से मुलाकात करते हुए भी देखा गया है, जिसमें अखिलेश यादव लोगों की आर्थिक मदद करते हुए दिखाई दिए। इन सब के अलावा खबरें तो ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन की घोषणा भी कर सकते हैं।